ये टनल पूरी खाली है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। क्या बात है मम्मी जी, हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है, डर लग रहा है यार मुझे, टेंशन हो गया। इसके से एक भी जानी पहचानी सी औरत दिख रही है आप, एक जानी पहचानी सी औरत। ये माता ये बजरंग बली का गधा है, हर महादेव। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़ों में। प्रियंका राज, नया दिन नई शुरुआत आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको लेके जा रहे हैं हम मनाली की वादियों में। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से जा रहे हैं मनाली से पालमपुर, है ना। हाँ। तो देखिए सिर्फ जा कौन रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं मम्मी जी? मैं और प्रियंका अकेले अकेले जा रहे हैं, डर भी लग रहा है। अभी तो हमने मिठाई भी लेनी है। हाँ अभी हम मिठाई लेने जाएंगे, फिर जाएंगे हम मनाली की तरफ। तो बस पर मम्मी जी डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। पहले आप मेरे साथ गए तो हैं, पर हम मनाली नहीं गए। तो मैं हमेशा जब भी गई हूँ बिपू के साथ मनाली गई हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव करूंगी और मम्मी मेरे साथ यहाँ पर इंजॉय करेंगे और हम जाएंगे मनाली। तो बाकी चलते चलते बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओ एक चीज बताना भूल गए, मनाली में इसलिए जा रहे हैं कि मनाली में एक फंक्शन है दोस्तों, मतलब देवी देवताओं का एक फंक्शन है। तो वो भी आपको एक अलग सा कल्चर देखने को मिलेगा, मतलब जो हिमाचल से नहीं है, कुल्लू मनाली से नहीं है, तो उनके लिए। हाँ वो तो मैं भी पहली बार ही देखूंगी। हाँ मम्मी भी पहली बार ही देखेंगे। तो चलो 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 चलो। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर नंगली स्वीट। मम्मी हम ले रहे हैं माता रानी के लिए मिठाई, क्योंकि मनाली जा रहे हैं, कुछ माता का फंक्शन है तो मिठाई तो बनती है। कौन सी लेंगे मम्मी जी? ये ना फ्रूट बर्फी। हाँ एक किलो ले दो। फ्रूट बर्फी और बजरंगबली के लिए लड्डू। बजरंगबली के लिए लड्डू करेंगे, कौन सी? यही वाले ना मोतीचूर वाले लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। हाँ आगे हमारी मिठाई। अब जा रहे हैं हम पहले पेमेंट करने, फिर लेंगे हम अपनी मिठाई। चल हमारी बिलिंग और बस चलते हैं चलते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी लेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमने जाना है मनाली और अभी देखिए टाइम कितना हो गया है, 12 तो हमें यहीं बज गए मम्मी जी, है ना। वही तो चलो। A few minutes later. तो बस दोस्तों अभी हमने किया है जोगिंदर नगर क्रॉस और अब हम सोच रहे हैं, वैसे डेढ़ एक बज गया अभी, अभी थोड़ा भूख भी लग रही है, लंच हम सोच रहे हैं कुछ लंच भी कर लेते हैं ना मम्मी जी। हाँ, खाना खा लेते हैं, कुछ खाने के लिए देखते हैं कहीं रास्ते में, फिर अच्छी सी जगह पे देख के। बस जी डर तो लग रहा है ना मम्मी जी अब? नहीं 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 लग रहा ना। बस चलो फिर आप देखो कैमरा, आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। मम्मी पूरे ब्लॉगर बने हुए हैं, क्या बोल रहे थे आप? डर तो क्यों लगेगा, तू पहली बार थोड़ी चला रही है। हाँ मम्मी जी चलो। ओ यार यार रास्ता तो रास्ते ही रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। चलो जी। One hour later. इतनी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली हम, मैंने सोचा था मम्मी को, मैं मतलब मंडी से पहले हम लंच कर लेंगे और मम्मी को भूख भी लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो हमने यही सोचा था कि मंडी से पहले लंच कर लेंगे। बट क्या हुआ कि दोस्तों इतना ज़्यादा जाम था और फिर हमने सोचा कि एटलीस्ट मंडी तो क्रॉस करते हैं, मंडी क्रॉस करने के बाद ही कुछ खाएंगे, चुटर पुटर खाएंगे। खाना तो नहीं खाया जाएगा अभी, क्योंकि बेटाइम हो चुका है, 3:00 हो चुके हैं। तो बस मम्मी अंदर ऑर्डर कर रहे हैं खाने के लिए, मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और बस अब हम जा रहे हैं अंदर, खा लेते हैं कुछ, पेट पूजा करते हैं, फिर चलेंगे मनाली की तरफ। पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, मुझे तो लग रहा है 5 या 6 o'clock पहुंचेंगे अगर बिना रुके। अगर हम ऐसे घूमते फिरते गए तो तब तो पता नहीं शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, सॉरी रात। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म वेज मैगी। हाँ जी दो कॉफी भी कर दो। चीनी कैसे रखनी? चीनी नॉर्मल। अब तो सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी, सोचो हमने सोचा था कि मंडी से पहले खाएंगे। हाँ मॉर्निंग में मम्मी की एनर्जी अब डाउन हो गई है। बस अपनी पेट पूजा करने के बाद अब हम देखिए पहुंच चुके हैं ये जो कुल्लू मनाली के हमारे जो संकड़े, क्या बोलते हैं मम्मी जिसको, संगड़े संगड़े रास्ते से। पता नहीं ये टनल नहीं आई इस बार, टनल शायद बंद है।
टनल शायद मुझे भी लग रहा है दोस्तों बंद है, क्योंकि नहीं तो हम सीधे निकल जाते थे। तो बट चलिए कोई नहीं, शायद लिखा होगा कि हम माता रानी हड़ोंगी माता के दर्शन करें। तो अगर वहां पर पार्किंग की जगह मिलगी तो हम जरूर करेंगे और आप सबको भी दर्शन करवाएंगे। तो आज का दिन तो पूरा सफर ट्रेवल में ही निकल रहा है हमारा, है ना मम्मी जी? देखिए दोस्तों इसे स्कैम हो गया हमारे साथ, टनल तो आगे निकली। मम्मी जी टनल दिखा दो इनको, मुझे भी याद नहीं रही, मैं शायद जबरी हो रही हूँ धीरे धीरे, है ना। मम्मी भी जबरी हो रहे हैं। मम्मी जी मैं तो जबरी है पर मैं भी जबरी हो गई हूँ। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी अब बुढ़ी हो रही हूँ, मतलब जबरे हो रहे हैं, जबरे है ना पहाड़ी भाषा में जबरी बोलते हैं, मतलब एज्ड हो रही हूँ। तो मुझे भी याद नहीं रही, मैं भी मम्मी को बोलती यार टनल आती थी यहाँ पे, वो टनल कहाँ चली गई? और मम्मी भी क्या बोल रहे थे यहाँ पर? मैंने रिबन लेके खड़े थे टनल आज। और हमें यही लगा कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मतलब इतने टाइम से, तो शायद मैं भी कुछ हुआ हो, तो हम तो यही लेके चले गए थे। मम्मी भी ना जब मम्मी ने बोला रिबन लेके खड़े थे, बोले तब तो मैंने सोचा कन्फर्म ही है। मम्मी जी आपको पता है यहाँ ये जो टनल है ना, टनल ये विपुल की फेवरेट है। अच्छा, क्योंकि हम इसमें से करते थे आप ही चिल्लाते चलो दोनों सच में विपुल को यही अच्छा लगता है, वो बोलता हमेशा टनल में ना कि चलो मुझे ऐसे चिल्लाते हैं चलो क्योंकि कोई होता ही नहीं है तो पीछे चली होनी गाड़ी है ना। हाँ नहीं, हमारे पीछे तो कोई भी नहीं है यार, हम अकेले हैं यार। मुझे डर लग रहा है मम्मी जी सच में यार, ये टनल से ही था ना, आगे पीछे कोई है ही नहीं यार, अटल टनल की तरह लग रहा है ना। हाँ अच्छा, हाँ अटल टनल की तरह ही है ये वैसे। मम्मी सही बोल रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद आने वाली है हमारी एक और टनल, टनल के बाद टनल, देखो ये पीछे कोई भी नहीं है। क्या कर भाई, यार जाते तो हैं पर हमारे आगे पीछे सच में कोई नहीं है दोस्तों। ये टनल पूरी खाली है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। क्या बात है मम्मी जी, हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है, डर लग रहा है यार मुझे, टेंशन हो गया। कैसे एक भी क्या मनाली कुल्लू मनाली कोई नहीं जा रहा है क्या? हम दोनों ही जा रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं। नहीं सच में यार, सच बोल रहे हो। आगे दिखी, अब जाके दिखी चलो, ये दिखी हमें एक ऑल्टो, दिखी हमें एक तो बस देखिए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ये धमसुक लोन बोलती इसको, ये हमारे गांव से पहले एक जंगल आता है। देखो मम्मी जी ये जंगल है पूरा, यहाँ पर ना हम सारे मॉर्निंग वॉक करने आते थे, इवनिंग वॉक करने आते थे, मतलब अभी भी लोग आते हैं, मतलब बचपन में हम आते थे ना। और ये पीछे थे जंगल के ऊपर, इधर जंगल में इधर जाते थे हम, जो ऐसे छुनछुरू वगैरह खेलते खेलते इधर आते थे, और वो खाने पीने के लिए ना मतलब ऐसे सामान में वो ये लेते थे, जंगल में जाते थे यहाँ से ऊपर सारा लेते थे। हाँ पूरी चढ़ाई ये सारे जंगलों में खेला करते थे हम। देखिए देखो अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे सारी यादें ताज़ा हो जाती है जैसे जैसे घर की तरफ जाते हैं। आ जाओ आगे जैसे तक जाके आते हैं थोड़े जैसे यहीं देखो। और दोस्तों अभी हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, और हम सीधे पीछे क्या पीछे की साइड जा रहे हैं। हाँ और अब हम सीधे जा रहे हैं मनाली की तरफ, क्योंकि मम्मी गए हैं मनाली, तो हमने सोचा कि अभी घर हम भी मम्मी के साथ जाते हैं, शाम को ही जाएंगे और मनाली घूम लेंगे थोड़ा सा, आपको भी मनाली का बाजार दिखा देंगे थोड़ा सा। देखो इधर पूरा जाना तो नहीं ऊपर आपने जंगलों में, जाओ मम्मी बोल रहे नहीं जाना, बोला नहीं जाना। ये देखिए दोस्तों ये जंगल, इन्हीं जंगलों में खेलते कूदते हम पले बड़े हैं, और खेलते कूदते हम बड़े हुए हैं। देखो मम्मी जी आपका दोस्त, ओए इसने पहचान लिया आपको कि आपको कुत्ते प्यारे हैं सबको। ए अंगड़ाइयाँ चलो, खाने को कुछ नहीं, पर खाने को कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा ले इसको मत खा लेना, ओए चलो 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 चलते हम मनाली की तरफ। A few minutes later. बस अभी पहुंच चुके हैं हम, ये देखिए मनाली मनु मार्केट। अब हम मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ है? ओहो यार यहाँ से अंदर है। चलो मम्मी जी आप आगे। हाँ
मम्मी जी को मनाली की गलियों में घुमाते हुए मैं चल। अच्छा यहाँ लगा रही थी मम्मी मेहंदी, देखो यहाँ लगा रहे थे शायद मम्मी मेहंदी। हाँ चल। ओ यार बड़ी भीड़ है यहाँ तो, अंदर की तरफ मुड़ो। हाँ इस साइड को मुड़ो, डायरेक्शन दे रही हूँ मैं आपको। चलो अब इस वाली दुकान में चलो, ये वाली, ये देखो एक जानी पहचानी सी औरत दिख रही है आप। एक जानी पहचानी सी औरत। जय माता दी, जय माता दी मम्मी, जय माता दी, जय माता दी। यार ये देखिए माता की, मैं एक बिंदी जैसे छांट दी अभी जरा मेरे को, एक हाथ में भी लगाई बोला नहीं लगाई, खा ले मैंने मुझे एक हाथ में नहीं, अभी वहाँ पर है ना और लगाने वाली है। मैं तो माता की स्वागी वगैरह बिंदी माता के लिए चांटती हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं जैसे माता की स्वागी चलो चलो और ठीक ठाक। अभी ये देखिए यहाँ पे मम्मी वगैरह यहाँ ले रहे, अभी हम थके, हम तो सीधे कहीं भी नहीं गए, मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है आप बैठो यहीं मम्मी के साथ। अब दोनों मम्मियाँ मिल गई हैं और मुझे भेज दिया है, कुछ बोला पीने के लिए लेके आना। पीने के लिए क्या लूँ मैं भैया, लिमका स्प्राइट वगैरह है, सोडा भी है क्या? चलो जी ये ले लिया हमने, क्योंकि हमें कब से प्यास लगी थी, हमने सोचा घर भी नहीं जाएंगे, हम घर भी नहीं गए और सीधे यहाँ आगे मनाली, तो मम्मी बोलेंगे घुमाने लगी। चलो ले ये लो जी, लो मम्मी, मम्मी कहाँ गए? नमस्ते भैया, नमस्ते जी। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मेहंदी वाली शॉप में। नहीं लगाई अभी, अभी तो मम्मी ने मेहंदी लगानी है। ठीक है मम्मी फिर हम आते घूम के, आप मेहंदी लगाओ तब तक। ठीक है चलो चलो मम्मी जी, मार्केट में चलते, मेन यहीं से चलते। जय जय मॉल रोड में आए और मॉल रोड में माता रानी के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखिए आप सब भी दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माता, जय माता, चल। 2000 years later। आधी रात हो गई अभी हमें, यहाँ मम्मी की मेहंदी भी लगी है। मम्मी मेहंदी दिखाओ अपनी, ये लगी है मम्मी की मेहंदी पैरों में भी। नई दुल्हन हेलो करो। हेलो, मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, बहुत शौक नहीं बहुत बहुत ज्यादा शौक है, सच बोल रही हूँ मैं, इसलिए मम्मी मेहंदी लगा दी। चलो तो फिर अब बाकी सामान कब ले, अब नंगे पैर ही घूमना पड़ेगा पूरे बाजार में। चलो तो चल, मैं सैनी में ही दिल लगा रही हूँ, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए माता रानी बजरंग बली विष्णु भगवान के लिए लगा रही हूँ मैं। ठीक है ठीक, कल विष्णु भगवान का स्वागत कर सकूँ अच्छे से लाल हाथ से। और ये देखो मम्मी जी, अब मम्मी ऐसे घूमेंगी पूरे बाजार में, ये देखो पहले सारे काम करने थे लास्ट में लगानी थी, पर फिर इन्होंने बंद हो जाना था ना, ये दिक्कत है। चलो मम्मी मोटे खुश, बोला नंगे पैर चलूंगी बोला। बस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, ये देखिए दोस्तों पूरा घर सज चुका है, डेकोरेशन हो गई है यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था पर ये तो ऐसा लग रहा है शादी है। शादी ओ यहाँ पर देखिए इतना सारा राशन, राशन है मम्मी इसमें, ये राशन और ये चावल वगैरह छान चटाई हुई थी, ये देखिए मंदिर और बाकी क्या फंक्शन है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता लगेगा। अच्छा आएगा, मजा आएगा आप सबको, ये देखिए पूरा सजा दिया। ए मम्मी, ये मम्मी ये लेके मम्मी नंगे पांव चले हुए, ये देखिए अभी भी, ये देखो मम्मी जी हम आगे अभी मत्था टेकेंगे फिर करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। ये चेंज हो गया मम्मी जी, अब ये माता रानी के चरण यहाँ कर दिए हैं, देखो हाँ ये माता रानी के चरण अब बाहर ही कर दिए, जैसे कहीं अंदर नहीं जाते ना तो बाहर ही माता रानी के चरण ऐसे स्पर्श करके आशीर्वाद। ये चलो जी, ये मंदिर तो कल ही खुलेगा दोस्तों, अब कल ही मिलेगा आपको मंदिर में दर्शन करने का मौका, बाकी फंक्शन में आपको फुल मजा आएगा।
हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। ये बजरंगबली का गदा है, हर हर महादेव, तोड़ दे हम दुश्मनों की नली, जय बजरंगबली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग, प्लीज डू लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, प्लीज सारे ब्लॉग देखना और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। बाय बाय।